आगरा के कस्बा खेरागढ़ में शटर तोड़कर घर में घुसे बदमाशों ने रविवार की रात डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने चारपाई पर सो रहे बुजुर्ग को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया, इसके बाद वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सोमवार की सुबह घटना की जानकारी होने पर कस्बे में सनसनी फैल गई। परिजन घायल बुजुर्ग को अस्पताल ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की। घटना खेरागढ़ के बाईपास मार्ग की है। यहां श्री भगवान मित्तल का मकान है जिसमें ऑटोमोबाइल की दुकान है। रविवार की रात वह अपनी मां, पत्नी और बच्चों के साथ ऊपर बने कमरे में सो रहे थे। मकान की भूतल पर उनके 75 वर्षीय पिता ताराचंद मित्तल चारपाई पर सो रहे थे। आधी रात को दुकान का शटर तोड़कर बदमाश घुस आए और ताराचंद मित्तल पर हमला कर दिया। उन्हें बुरी तरह पीटा गया जिससे वह बेहोश हो गए। ताराचंद के बेहोश होने के बाद बदमाश घर की अलमारी में रखी नगदी और लाखों रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गए। सुबह करीब 5 बजे परिजन जग कर नीचे आए तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। पिता को लहूलुहान हालत में देखकर परिवार में चीख पुकार मच गई। पुलिस को सूचना देकर परिजन घायल ताराचंद को आगरा ले आए। उधर घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल में जुट गई। आपका नाम? श्री भगवान। ये घटना की जानकारी आपको कैसे हुई, क्या घटना हुई है? हुआ सुबह 5:30 बजे करीब में जगा और जगने के बाद मैं दूध लेने जा रहा था जब मुझे घटना की जानकारी हुई थी। तो घटना की जानकारी होने के बाद आपने क्या किया? घटना की जानकारी होने के बाद हमने पुलिस के लिए फ़ोन किया था और हमारे पिताजी भी घायल पड़े हुए थे और उनको हमने हॉस्पिटल पहुंचाया। उनके कहाँ कहाँ चोटें? उनके सिर में चोटें, हाथों में चोटें और शरीर में भी चोटें। घर में से कोई सामान चोरी हुई? घर में से सामान गया है। क्या गया? उसमें से सोना गया है, 10-12 तोले सोना गया है। मम्मी की अलमारी से ही गया है और 30-35 हज़ार रुपये गए हैं। मम्मी के बे अलमारी में ही रखे थे, बे चले गए हैं। और पिताजी का कुछ? पिताजी के पास से पैसे ही गए हैं और सोने वगैरह की तो हमें कुछ जानकारी नहीं है, वो तो वही बताएंगे उसमें आने पे, वही बताएंगे। पिताजी के पास से कैश कितना है? करीब करीब 35-40 हज़ार रुपया के करीब पिताजी के पास कल शाम को कैश था उनके काउंटर में। और आपके पास से कुछ गया? नहीं, मेरे पास से कुछ नहीं गया। अच्छा, और पुलिस मौके पर कितने बजे पहुंची? पुलिस करीब करीब मौके पर 6 बजे के आसपास आई थी। आपको जानकारी कितने बजे हुई थी? 5:30 करीब 5:30 बजे मुझे जानकारी हुई थी। साथ ही साथ पुलिस के लिए फ़ोन किया था, करीब आधे घंटे में पुलिस आ गई थी। पिताजी को कहाँ भर्ती किया गया? पुष्पांजलि हॉस्पिटल आगरा।